कैलाश विजयवर्गीय को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। कई दफे वो बचकाने बयान दे देते हैं, दोस्त यदि होता तो माँ अहिल्या की नगरी में इतने बड़े बड़े कल कारखाने, इतनी बड़ी ट्राम की योजना, बड़े बड़े कल कारखाने, MR10 जो बनाया गया और वहाँ उसमें फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आई हैं, ये दोष होता तो ये कैसे होता। इंदौर सफाई और दूसरे कामों में नंबर 1 आया, 3 दफ़े, चौथी दफ़े भी आ रहा है, तो ये उनको सोचना चाहिए। तभी वस्तु दोष होता तो ये सब कैसे होता, इंदौर की प्रगति कैसे होती। अब लोग कहते थे कि माफ करो महाराज, शिवराज मामा आ रहे हैं, इस प्रकार के नारे यही BJP लगाते थे। आज इनको इसीलिए तो प्रभात झा ने अपने साधारण सदस्य से बरखास्त, इनमें दम हो। और यदि ये क्या महाराज बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे ये, यदि हो तो जैसे झा साहब ने कदम उठाया कैलाश जी भी उठा लें, पर इतना साहस बताएंगे नहीं है। मुझे मालूम है, मैंने तो बहुत पहले इनको कहा था, आज से भी 25 साल पहले, कि बहुत बड़ा पखंडी है, बोलने को तो बोल जाता है। देखे नहीं आपने मुख्यमंत्री बनने की लालच में कितना तांत्रिक काम कर रहा था ये, तो फिर भी मौका नहीं मिला। तो ऐसे हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान जी के प्रति हम भी श्रद्धा रखते हैं, हमारे परिवार के लोग भी वहाँ गए थे, और मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं नहीं जा पाया। पर जो इस प्रकार बोल रहे हैं कि वास्तु दोष होने में मिट जाएगा, ये गलत फहमी है इनकी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बड़े अच्छे ढंग से चल रही थी, और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी उसको सुचारू रूप से चला रहे थे। इनको वो अच्छा चल रही है इसकी बात हजम नहीं हुई। अभी इन्हें जो शपथ ले रहे थे ये BJP में जाने का, उस समय इन्हीं ने उस चीज़ों को दोहराया, किसानों के ऋण के बारे में और महंगाई के बारे में, बेकारी के बारे में। ये तो केंद्र सरकार का काम है, आज 15,000 करोड़ केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार दे देती तो बहुत कुछ समस्या हल हो जाती, पर प्रधानमंत्री ने भेदभाव रख के इनके साथ नहीं दिए। और भी जो कमलनाथ जी ने कड़े कदम उठाए भू माफियाओं को और अन्य लोगों के साथ, जो लोगों से जजिया कर उगाते थे उनको भी सख्ती की, इस ढंग से कमलनाथ जी ने अनेक काम किए, वो इनको हजम नहीं हुआ। ये भले ही इनने जो फैसला लिया है, मैं तो कहूँगा इतने सूझबूझ वाले समझदार राजघराने के व्यक्ति ऐसा बचकाना फैसला लिया है, जिससे हम लोगों को बड़ी हैरत होती है।